नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का फोर्थ क्वेश्चन। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा वेयर एक्स लेस देन 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 वेयर एक्स ग्रेटर देन 3। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ये जो लैम्डा यहाँ पर यूज हो रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स बराबर 3 पर फलन सतत है। तो आप क्या सोच रहे हो यहाँ पर, आप सोच रहे हो क्योंकि एक्स बराबर 3 पर सतत है तो सर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा, बिल्कुल राइट इक्वल होगा, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को आप फाइंड आउट करके उस रिलेशन को इक्वल टू में पुट करके आप लैम्डा की वैल्यू बता सकते हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में से कौन से का मीनिंग है, यहाँ पर ज़्यादा अपन को एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में लैम्डा यूज हो रहा है, राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से बड़ा, राइट हैंड लिमिट किस में आएगी, 3 से बड़े के लिए जिसमें लैम्डा का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, इसलिए आप ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये दोनों फाइंड आउट करके इक्वल पुट कर सकते हो, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है वही आपको यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करवा देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, नेक्स्ट लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह कौन सा पॉइंट पुट करोगे, जिस पॉइंट पे अपन को बात कर रहा है कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूस की, कितना आ जाएगा 3 माइनस एच, फंक्शन में अपन एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन सा ये फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह वेरिएबल की जगह क्या पुट कर देंगे 3 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करेंगे तो एक्स की जगह 3 माइनस एच और प्लस लैम्डा ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, डायरेक्ट एच का वैल्यू पुट कर सकते हो, लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो, सीमा का मान रख सकते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर सीमा का मान एच की जगह 0 रखा तो क्या आ गया आपके पास 3 और ये माइनस 0 प्लस लैम्डा, ओवरऑल कितना आ गया 3 प्लस लैम्डा, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। इसी तरीके से अपन इसमें फंक्शन के वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू से इजी आंसर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर आंसर फाइंड करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू की कंपेरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा स्टेप्स, तो आप एफ 3 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, वो कितनी है 4, एफ 3 पर कितनी है वैल्यू 4, तो आप क्या लिख सकते हो, सो द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का तो यहाँ जिक्र ही नहीं किया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल करके ही अपन लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगला बोल रहा है कंटिन्यूअस है फंक्शन, इसलिए अपन इक्वल पुट कर सकते हैं फ्री ऑफ माइंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपका 3 प्लस लैम्डा और एफ 3 का वैल्यू कितना है 4, बाय ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करके इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा LHS में रहने दो और 4 ये 3 उधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये फाइनल इसका आंसर हो गया, लैम्डा का वैल्यू 1 हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एस, एक कोट एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है कोट एक्स, और ये फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस मतलब असतत, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। यहाँ पर ध्यान देना एन किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पर कोई भी इंटीजर वगैरह को, लेकिन ये एन पाई बाई टू के लिए पूरे के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दे रखा है एन बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, बी दे रखा है एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, और सी दे रखा है एन बाई टू बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर का सिंबल जेड भी होता है और आई भी होता है, और डी है ऑप्शन ओनली एन इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में तो सर ये ऑप्शंस नहीं लिखे थे, हमारे लिए बोल रहे थे भाई ऑप्शन देख लेना कौन सा राइट है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स आप जब भी मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो तो उसमें आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है लेक्चर, फर्स्ट सेकंड बात यह है कि आप लोग
जब लेक्चर देख रहे हो तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, आपकी आरबीएससी की जो बुक है वो आपके सामने होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग बुक को भी साथ में लेके बैठे, रफ कॉपी लेके, पेन लेके उसमें सोल्व करते जाएं और बुक में देखते जाएं वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स दे रखा है, इसमें अगला बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई टू, पर ये डिसकंटिन्यूअस, मतलब नॉट कंटिन्यूअस अर्थात असतत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप यहाँ फंक्शन की कंटिन्यूटी थोड़ा सा ध्यान दें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बजाय आप यहाँ ग्राफिकली बहुत इजी वे में समझ सकते हो। ग्राफिकली समझने के लिए आप लोग 11th क्लास में चलेंगे, तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आपने ग्राफ देखे होंगे। तो कोट एक्स का ग्राफ देखिए, कोट एक्स का ग्राफ से आपको पता चल जाएगा ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। कोट एक्स का ग्राफ देखो किस तरीके से होता है, दिस इज वाई एक्स, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब इसमें देखिए आप, कोट का ग्राफ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है कोट का ग्राफ। अब यहां से आप क्या समझ रहे हो, ये तो आपका ओरिजिन हो गया जीरो, ठीक है, ये यहां कहां तक जाएगा, प्लस इनफिनिटी तक, और ये यहां पर कहां तक जाएगा, माइनस इनफिनिटी तक, और ये माइनस इनफिनिटी तक, इधर भी बोल सकते हो, और इधर आपका ये प्लस इनफिनिटी तक। नेक्स्ट इस तरीके से, यहाँ पर प्लस इनफिनिटी, यहाँ पर प्लस इनफिनिटी, और इधर माइनस इनफिनिटी। नेक्स्ट इधर नेगेटिव साइड में, नेगेटिव एक्सेसिस में भी इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, ये प्लस इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स एक्स पे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर देखिए, ये जीरो पर, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पाई बाय टू, कितना हो गया पाई बाय टू, और ये यहाँ पर है पाई, और यहाँ पर ये कितना जाएगा थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पर ये टू पाई। इसी तरीके से इधर देखिए, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई, आगे चलता जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो डैश डैश वाला सिस्टम है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये इन्फिनिटी भी जाके मिल रहा है और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी जाके मिल रहा है। तो इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अपन को डिफाइन ही नहीं कर सकते कहां तक होता है। तो यहां पर इसको, फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, टूटा हुआ बोल सकते हैं, ब्रेक किया हुआ बोल सकते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस किस पे चल रहा है, देखो एक तो जीरो पे चल रहा है क्योंकि जीरो के इधर ऊपर प्लस इन्फिनिटी चल रहा है आंसर, और इधर माइनस इन्फिनिटी तो अपन इक्वल नहीं कह सकते जीरो पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। पाई पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं बोल सकते अपन, क्यों, क्योंकि पाई पर इधर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से टू पाई पर नहीं बोल सकते, आगे भी और पॉइंट्स आएंगे थ्री पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर देखो, माइनस पाई पर नहीं बोल सकते अपन कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट के लिए अलग आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग आएगा। मतलब ये डैश डैश वाली जो आपका रिप्रेजेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करा है, डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करा है, असतत को रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पर जीरो पाई टू पाई इस तरीके से वैल्यू चल रही है, एक्स की वैल्यू कोट एक्स में, यहाँ पर ये कोट एक्स का ग्राफ है, तो इस कोट एक्स के ग्राफ में वाई इज इक्वल टू कोट एक्स, वाई इज इक्वल टू बोल सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू बोल सकते हो, फंक्शन का रिप्रेजेंट वाई इज इक्वल टू भी कर सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को, एक्स की वैल्यू यहाँ बिलोंग कर रही है किसको, जीरो, ठीक है, पाई टू पाई इस तरीके से, इन पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस, क्या है डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। एक्स इज इक्वल टू जीरो पाई टू पाई ये बिलोंग करती है, तो यहाँ पर इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या आता है, इज नॉट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से इसमें माइनस की वैल्यू भी आ जाएंगी, जीरो का तो जीरो ही, और इधर माइनस पाई, माइनस टू पाई इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर y इज इक्वल टू कोट एक्स है, तो कोट एक्स में यहाँ पर n पाई के लिए बोल सकते हो, क्योंकि जीरो पाई टू पाई, तो x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, n पाई, n पाई का मतलब n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, यहाँ पर n को मैं इंटीजर पुट करता हूँ, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्याएं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो पूर्णांक संख्या यहाँ जीरो पुट किया, वन पुट किया, टू पुट किया, तो ये वैल्यू आ रही है ना। नेक्स्ट माइनस में भी यहाँ पुट कर सकते हो, तो माइनस की वैल्यू पुट किए, माइनस वन माइनस टू, तो ये वैल्यू आ रही है जिन पे ये क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसको बिलोंग कर रही है, जेड को। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर अपने इस फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू एन पाई के लिए बोल रहे हैं,
और यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एन पाई बाई टू, मतलब यहाँ पाई के मल्टीपल में जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रही है, जेड को, तो यहां पर भी पाई के मल्टीपल में कौन वैल्यू है, एन बाई टू, तो पाई के मल्टीपल में जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग करनी चाहिए, जेड को, किसको बिलोंग करनी चाहिए, जेड को, तब उस पॉइंट पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन सा फंक्शन, कोट का जो फंक्शन आपका, तो यहां पर ये इसको जेड को बिलोंग करनी चाहिए, तो दैट इज इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एन पाई बाई टू बिलोंग्स टू जेड, एन पाई बाई टू बिलोंग्स टू जेड के लिए यह फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस कहां से समझे, अपन इस ग्राफ से समझ लिए हैं, क्योंकि यहां पर सिंपल अगर फंक्शन है और उसमें अपन x इज इक्वल टू एन पाई लेते हैं, तो n बिलोंग्स टू z के लिए डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां पर अपने को कंडीशन क्या दे दी, n पाई बाई टू दे दिया पाई के मल्टीपल में, ठीक है, यहां पाई के मल्टीपल में n है वो z को बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर पाई के मल्टीपल में कौन है, n बाई टू, वो z को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, n पाई बाई टू बिलोंग्स टू z, c ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, c, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेना है। हाँ, नेक्स्ट 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई मॉडुलस फंक्शन एक्स, इसके लिए बोल रहा है कि इंटरवल बताइए कि फंक्शन एफ एक्स है डिफ्रेंशिएबल है उस इंटरवल में, अर्थात फलन अवकलनीय है वो अंतराल बताइए कि कौन से अंतराल में फलन एफ एक्स है वो अवकलनीय है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन इस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इसलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं, इधर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मॉडुलस फंक्शन में देखिए एक्स को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, तो यहाँ पर जीरो जो पॉइंट होगा उस पर ये चेंज होगा, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के ये मॉडुलस में यहाँ क्या जाएगा, माइनस एक्स, तो एक्स और ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई में, तो ओवरऑल कितना जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या जाएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये प्लस एक्स आ जाएगा, तो एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जीरो में आप इन दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हो, क्योंकि जीरो पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। ये फंक्शन हो गया आपका डिस्क्राइब। अब इसमें देखिए फंक्शन यहाँ पर कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर जीरो से छोटे के लिए यहाँ कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ जीरो से बड़े के लिए कहाँ तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन जीरो पे फंक्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन जीरो पर चेंज हो रहा है, तो जीरो पर चेंज हो रहा है, तो जीरो पर अपन कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है या नहीं, अवकलनीय है नहीं, और पॉइंट्स पर अपन कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो जीरो से छोटे के लिए ये कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद है, बहुपद हमेशा अपने अंतराल में क्या होता है, सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी ये क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है, बहुपद फलन हमेशा अपने अंतराल में सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है, लेकिन यहाँ जीरो पर अपन कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जीरो पर पता नहीं फंक्शन ब्रेक हुआ हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ मतलब डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है तो अवकलनीय कहाँ से होगा, और हो सकता है कि जीरो पर कोई वी शेप बन रही है, क्योंकि वी शेप बनती है, उस वी शेप के उस कॉर्नर पर भी फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफ्रेंशिएबल अपन नहीं बोलते हैं, वहां पर डिफ्रेंशिएबल नहीं हो सकता वहां पर, तो यहां पर अपन को जीरो पर कन्फर्म नहीं है, तो अपन यहां जीरो पर इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और उसके बाद में कन्फर्म करके बताते हैं कि किस अंतराल में यह फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होगा। तो अपन जीरो लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो लेते हैं और उस पर अपन डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इस फंक्शन की, तो एट जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन आफ्टर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बायां अवकलज, हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर आप बायां अवकलज, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में लिख देना बायां अवकलज, हिंदी मीडियम वाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और हिंदी में बायां अवकलज जैसे भी लिख सकते हैं। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज का रिप्रेजेंटेशन होगा दायां अवकलज, दायां अवकलज का रिप्रेजेंटेशन होगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच, ठीक है। अब अपन एक्स किस गए यहाँ पर कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट पे अपन डिफ्रेंशिबिलिटी कन्फर्म कर रहे हैं, अवकलनता की जांच कर रहे हैं, अवकलनता का परीक्षण कर रहे हैं, कौन सा बिंदु, जीरो, तो जीरो यहाँ पर मैं एक्स किस गए लूंगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू,
नेक्स्ट स्टेप में देखिए, फंक्शन में मैं x की जगह 0 माइनस h पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए देखो ये फंक्शन है, ध्यान देना फंक्शन आपको अभी ये यूज नहीं करना है, सोल्व करते वक्त ये यूज करना है फंक्शन। तो 0 से छोटे के लिए देखो ये फंक्शन यूज हो रहा है, माइनस x स्क्वायर, जिसमें मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h भी पुट कर सकता हूं। तो माइनस माइनस h का होल स्क्वायर माइनस एफ जीरो, एफ जीरो पर आप इनमें से कोई सा ले सकते हो, लेकिन यहाँ जिस पर इक्वल टू का साइन लगा रखा है उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा, जीरो अपॉन माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करूंगा क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस माइनस एच का होल स्क्वायर कितना आ गया, प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस का पावर सम संख्या में यहाँ पर इवन नंबर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, नीचे माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच की एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया, सिंगल पावर बच गई, सिंगल पावर बच गई, उसमें मैं लिमिट का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो सिंगल पावर एच बच गई, इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का मान विद्यमान है। तो यहाँ पर लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर एच की जगह सीमा का मान रखा, जीरो पुट किया तो क्या आ गया, जीरो। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव में नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की जगह वही पॉइंट जिस पे अपन को डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस एच, तो फंक्शन में एक्स की जगह जीरो प्लस एच पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कौन सा, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह मैं जीरो प्लस एच पुट कर सकता हूँ या प्लस एच भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो प्लस एच का मतलब एच ही होता है। तो एच स्क्वायर माइनस एफ जीरो, एफ जीरो पर यही, और एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा, जीरो अपॉन एच। सोल्व आउट करूंगा इसको, नेक्स्ट स्टेप के लिए हल करूंगा इसको, तो एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, एच की कितनी पावर बच गई, सिंगल पावर बच गई, वन पावर बच गई। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, यहां पर एच किस गए सीमा का मान रख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर यहां पर सीमा का अस्तित्व हो रहा है, सीमा विद्यमान है, तो यहां पर लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर एच किस गए जीरो पुट किया तो क्या आ गया, जीरो। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का कितना आ रहा है, जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का कितना आ रहा है, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि जीरो पर यह फंक्शन है डिफरेंशियबल है। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख दोगे, सो The function f x is differentiable. The function f x is differentiable at x is equal to zero. अतः फलन f x x बराबर जीरो पर अवकलनीय है। क्यों है अवकलनीय? क्योंकि left hand derivative is equal to right hand derivative. बाया अवकलज और दाया अवकलज आपस में बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो? That is फाइनल रिजल्ट में क्या कह सकते हो? अपन शुरू में स्टार्टिंग में क्या बात की थी? बात ये की थी कि जीरो पर डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है, और जीरो से पीछे छोटे वैल्यू के लिए और जीरो से बड़े वैल्यू के लिए ये डिफरेंसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि बहुपद है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ओवरऑल क्या हो गया, जीरो से छोटा यहां कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक, और जीरो से बड़ा कहां तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक, और बीच में जो जीरो आता है उस पर भी डिफरेंशियबल आ रहा है। तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, अवकलनीय होगा। तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए फलन अवकलनीय होगा, दैट इज डिफरेंशियबल होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए ये डिफरेंशियबल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, इस तरीके से करना आपको क्वेश्चन।